मधेपुरा घर नहीं है, बिहार घर है मेरा और हम बिहारी हैं। जितने रूढ़ी जी आप लोग सब मिल के लूटे होंगे ना, उतना हम एक महीने में बांटते हैं। तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। पुलिस इसलिए लौटा लिया गया कि अगले लोकसभा में जो मुखिया इनको वोट नहीं दिए उनके यहां से एम्बुलेंस लौटा लिया, चुनाव के ठीक डेढ़ से दो महीना के बाद। अगले कोरोना वायरस में भी 13 महीना पहले ये एम्बुलेंस वहीं लगी हुई। मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि यदि सच में वो बता दे, भाई आपको तो कोई लाज होगा नहीं, मंत्रिमंडल से आपको हटा दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, तब भी आप थथराई करते हैं। आप जहां के चेयरमैन एमपी लोग के क्लब के बने हैं वहां भी घोटाला, तब भी आप थथराई करते हैं। पर्यावरण में एनजीओ आपका जांच होना चाहिए, तब भी आप थथराई करते हैं। आप के बारे में आप किस किस को क्या किए हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपके तरह मैं ओछा नहीं हूं। कभी विपक्ष के भरोसे, कभी जनता दल, कभी बीजेपी के भरोसे अनुकंपा पर जीतने वाला जिनका अपना कुछ हो ही नहीं, अब वो हमें राजनीति तो मोदी जी भी करते हैं बनारस में आके, राजनीति तो गुजरात जी भी आके चुनाव लड़े, हिंदुस्तान का शरद जी से लेके मधुली में मुफ्ती मोहम्मद सईद, एमजे अकबर, चंद्रशेखर जी, अटल जी, जॉर्ज साहब, शरद यादव, सब बिहार को और देश में सब जगह जाते हैं। देश में कोई हमारी डेमोक्रेसी सबको इजाजत देती है सब जगह जाने, और हम एक पार्टी के हैं। मधेपुरा घर नहीं है, बिहार घर है मेरा और हम बिहारी हैं। जितने रूढ़ी जी आप लोग सब मिल के लूटे होंगे ना, उतना हम एक महीने में बांटते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं, छपरा में जितनी घटना घटी पप्पू यादव ने 50,000 से लाख लाख रुपया पहुंचाए, और वो सारे प्रूफ के साथ। आप एक भी मर्डर और घटना में आज तक नहीं गए, लिस्ट फिरहस्त है। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा? एफआईआर होना है, वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे, सरकार का पैसे का गबन हुआ है। तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, इंक्वायरी होगी ना। और जब आपको ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए।